हेलो दोस्तों, मैं विकास बंसल आपका यूट्यूब चैनल विकास मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एलजेब्रा में त्रिघात समीकरण चतुर्घात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड आपके एसएससी में, एसएससी मेंस में, सीपीओ 10+2, एमटीएस और साथ ही एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं टॉपिक का नाम है दोस्त क्यूबिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दोस्त? क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण। आज हम बात करेंगे दोस्त त्रिघात समीकरण, साथ में चतुर्घात की भी और द्विघात की भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या है? जीरो। कोई भी समीकरण जिसमें एक चर, हम बात कर रहे हैं दोस्त एक चर वाले त्रिघात समीकरण की, दो चर वाले मतलब टू वेरिएबल्स वाले भी आपके इक्वेशन होती हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि एक ही चर है जिसमें एक्स यहां पर चर है और ये ए बी सी डी जो है यहां पर अचर राशियां हैं, कांस्टेंट राशियां हैं। तो बात कर रहे हैं इसमें आपसे पूछे, इस जैसे आपने बोला कि यहां एक्स की अधिकतम घात कितनी है? तीन है। तो दोस्त यहां पर इसके तीन मूल होंगे। कितने मूल होंगे? तीन मूल होंगे या तीन हल होंगे, तीन सॉल्यूशन निकल के आएंगे, एक्स के तीन मान निकलेंगे। मतलब मान लेते हैं कि एक अल्फा है, एक बीटा है और एक क्या है दोस्त? गामा। अल्फा बीटा और गामा है। तो यहां पर अगर आपसे बोले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा, या फिर बोल सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, या फिर अल्फा बीटा और गामा का मान हमसे पूछ सकता है। बात क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों मूलों का योग, ये हो गया दो दो मूलों के गुणनफलों का योग, ये तीनों मूलों का गुणनफल, तीनों सॉल्यूशंस का मल्टीपल। कहने का मतलब कि अगर हमसे पूछे तो ध्यान रखेंगे कि होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी, माइनस फिर प्लस और फिर क्या? माइनस, माइनस फिर प्लस और फिर क्या लिखना है दोस्त? माइनस। और नीचे जो बटे में आएगा वो ए आएगा हमेशा, जो भी आपका अधिकतम घात का गुणांक है। तो यहां पर जो माइनस बी अपॉन ए, तो यहां अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का जो मान होगा ये होगा सी अपॉन ए, और ऐसे ही हम याद करें अल्फा बीटा गामा का मान तो दोस्त वो क्या होगा? माइनस का डी अपॉन ए होगा। जैसे एक छोटे से सवाल की हम बात करें कि हमसे बोला 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के तीन मूल ए बी और सी हैं। ये ए बी सी क्या है? इसके मूल हैं, ठीक है? ए बी सी क्या है दोस्त? इसके मूल। और आपसे पूछ लिया कि बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमको सवाल दे दिया। क्या सवाल है दोस्त? कि 5x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ए बी और सी हैं, तो आपसे पूछ लिया बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो समझना यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कहानी यही है, आप यहां पर क्या क्या चीज याद कर सकते हो
कि a प्लस बी प्लस सी, पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहां पर, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मूलों का योग क्या होगा? तो दोस्तों माइनस का b अपॉन a, माइनस यहां कितना है 3 और यहां कितना है 5, माइनस का 3 बटे 5 ये होगा। एक की जरूरत पड़ेगी ए बी बी सी सी ए, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की, मतलब यहां जरूरत पड़ेगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की बात करें तो प्लस का सी अपॉन ए, तो यहां पर दोस्त ये कितना है प्लस होना चाहिए था, जबकि यहां कितना है माइनस का 4 है बटे में कितना आएगा 5 आएगा, मतलब माइनस का 4 बटे क्या आएगा 5 आएगा। अब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, में से इसको पूरे को घटा दें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है माइनस का 3 बटे 5 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 और इसका गुणनफल माइनस का 4 बटे 5, ये आ गया दोस्त 9 बटे कितना 25, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 8 बटे कितना आएगा 5 आएगा, 8 बटे कितना आएगा दोस्त 5, जोड़ लेते हैं ये आ गया 25, कितना आएगा ये 25, तो 9 और 40 49, तो आंसर क्या हो गया दोस्त 49 बटे 25, ये इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। बात क्लियर है, एक और सवाल हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो हमने एक सवाल लिखा है यहां पर 5x की पावर 4 3x की पावर 3 -4x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0 के मूल एल ए बी सी और डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। दोस्त ये सवाल उसी तरीके से होगा जो अभी हमने जस्ट पहले किया, बस यहां पर घात कितनी दे दी 4 दे दी, मतलब चतुर्घाती समीकरण है ये, घात कितनी है यहां पर 4 है, तो अगर 4 घात है तो मूल भी कितने निकलेंगे दोस्त 4 मूल ही निकलेंगे। जैसे आप समझना यहां पर कि हमने यहां लिखा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर कितना है 0 है के मूल, मान लेते हैं अपन ए है बी है सी है और क्या है डी है, ये 4 इसके मूल है दोस्त, ये भी सीधे हमने यहां लिखा हुआ है, तो कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा है बीटा है गामा है और ये लैम्डा है, 4 मूल है। ये जो 4 मूल लिखे हैं तो भैया यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा इसका मान होगा, फिर दो दो मूलों के गुणनफलों का योग कि अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा लैम्डा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा लैम्डा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा लैम्डा प्लस गामा लैम्डा इसका मान पूछेगा, या फिर हमसे पूछेगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा लैम्डा प्लस बीटा गामा लैम्डा, मतलब तीन तीन मूलों के गुणनफलों का योग, या फिर हमसे बोल सकता है कि अल्फा बीटा गामा और लैम्डा का मान। तो वही जो मैंने आपको बताया अभी तरीका कि माइनस लेना है फिर प्लस लेना है फिर माइनस और फिर क्या लेना है प्लस, नीचे बटे में जो शुरू शुरू में एक्स की पावर 4 के ऊपर है, मतलब साथ में जो गुणांक है मतलब ए है यहां पर भी ए, ये याद रखने के तरीके याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर भी नीचे ए आएगा तो ये कितना आएगा माइनस का बी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए, ये डी अपॉन ए और ये कितना ई अपॉन ए आएगा, बस हमें ये बात पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अब अगर मैं बात करूं यहां ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए होगा, तो यहां आएगा दोस्त माइनस का 3 बटे कितना 5 आएगा, माइनस का 3 बटे 5। ऐसे ही हम बात करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और ऐसे ही ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब दो दो मूलों के गुणनफल की बात करें माइनस फिर प्लस
प्लस आता है यहां पर, लेकिन पहले से ही माइनस है, तो माइनस चार बटे कितना पांच आएगा। बात करें तीन तीन मूलों का पूछता, मान लो ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस बी सी डी, अगर ये पूछता तो दोस्त ये होता माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस, यहां कितना है छह है, और बटे में कितना आएगा दोस्त पांच आएगा। ऐसे ही ए बी सी डी चारों मूलों का गुणनफल पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो दोस्त यहां पर क्या है प्लस सेवन पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे कितना पांच, ये वैल्यू दोस्त निकल के आ गई। एक बार आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहां हमसे इसकी वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, इसका मान कैसे निकलेगा दोस्त, हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो होल स्क्वायर है उसमें से हम घटा दें किसको, टू ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी को, ये घटा दें तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान माइनस का तीन बटे पांच है, ये माइनस का तीन बटे पांच है, इसका होल स्क्वायर माइनस दो गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस, इसका मान कितना आया माइनस का चार बटे पांच। तो ये जो आंसर आएगा क्या आंसर आएगा, ये आएगा नौ बटे पच्चीस, ये प्लस हो जाएगा ये आठ बटे कितना पांच। सेम वही सवाल है शायद ये उसका आंसर इससे पहले वाले में आया था कि पच्चीस एलसीएम आ गया और यहां पर 9 और 8 में जो 40 कितना आ गया 49, इसका आंसर भी कितना आएगा 49 बटे 25। तो इसमें अगर आपसे सवाल पूछेगा शुरुआत में तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछ लेगा या ये मान पूछ लेगा, इस तरीके से आपसे दो सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेनली हमारी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बात कर लेते हैं उसकी भी। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्त यहाँ पर द्विघात समीकरण की, किसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण को हम बोलते हैं दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना जीरो, ये है। मान लेते हैं कि इसके मूल अल्फा है और क्या है बीटा है, एक मूल अल्फा है और एक क्या है बीटा है, ये इसके मूल है दोस्तों, ठीक है। अगर मूल अल्फा और बीटा है तो हम बोल सकते हैं दो चीजें होंगी, या तो अल्फा प्लस क्या होगा बीटा, और एक क्या होगा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर पूछता है तो वही आपको शुरुआत जो मैंने आपको बताई माइनस और फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस बी अपॉन ए, बटे में ए तो आएगा ही दोनों में, माइनस का बी अपॉन ए और ये सी अपॉन क्या आएगा ए आएगा, बात के लिए। अब यहाँ पर कुछ टाइप के सवाल पूछेगा, जैसे पूछा मान लो इसने कि एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा का मान क्या होगा, तो दोस्त यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा जो आएगा वो एलसीएम आएगा और ये आ जाएगा आपके पास में अल्फा प्लस कितना बीटा। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल चुके हो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का मान आप निकाल चुके हो कितना सी अपॉन ए, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ये होगा माइनस का बी अपॉन ए और ये होगा माइनस का सी अपॉन ए प्लस का सी अपॉन ए, मतलब माइनस का बी अपॉन क्या आएगा निकल के सी आएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। ये क्या चीज है दोस्त, ये तो है मूलों का योगफल, ये है मूलों का गुणनफल, ये है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है। इसमें और क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम बात करें तो दोस्त ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। कैसे आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का टू ए बी, तो सेम चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा टू अल्फा बीटा।
तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख दोगे तो वो मान क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का मान है दोस्त सी अपॉन कितना ए, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मेरा कहने का मतलब यहाँ कोई डाटा दिया जाएगा ना से इस तरीके से वैल्यू पूछ लेगा, हो सकता है कुछ ऐसे भी हमसे पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कि हमसे यहाँ पर अल्फा की पावर तीन प्लस बीटा की पावर तीन पूछ लिया जाए, अगर अल्फा की पावर तीन प्लस बीटा की पावर तीन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा की होल पावर थ्री माइनस थ्री अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, देखो ये फॉर्मूला कैसे बना होगा कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और कोष्टक में लिखते हैं ए प्लस बी, तो जो प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी है उसको मैंने इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया, मतलब माइनस थ्री अल्फा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में है निकाल सकते हो इसी समीकरण से, और अल्फा बीटा का मान है सी अपॉन ए वो आप रख सकते हो, दो ही चीजें हमें चाहिए होंगी, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर और कुछ पूछेगा तो ये पूछेगा दोस्त अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन इसका मान पूछ लेगा अल्फा का मान, तो ये कैसे निकालेंगे दोस्त, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, ये आएगा अल्फा बीटा, ये होगा दोस्त अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसा कि अभी आपने देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कुछ इस प्रकार से निकलेगा, मतलब अल्फा बीटा का मान तो हमें पता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा दोस्त अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा का बीटा आएगा, बात क्लियर है, हो सकता है कि इसमें हमसे पूछे अल्फा की पावर चार प्लस बीटा की पावर कितना चार, अल्फा की पावर चार प्लस बीटा की पावर चार, तो दोस्त यहां पर हम बोलेंगे ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से हमने इसको किया है, बात क्लियर है, ठीक है, हो सकता है कि दोस्त हमसे यहाँ पर पूछे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पूछ ले दोस्त अल्फा माइनस बीटा पूछ ले, जैसे ही अल्फा माइनस बीटा पूछेगा एक छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, प्लस का मान तो आपके पास में है और अल्फा बीटा भी आपके पास में है तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, तो दोस्त यहाँ पे अभी आपने निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अगर टू अल्फा बीटा इधर कर दे टू अल्फा बीटा इधर कर दे माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम चीज है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा किसका फॉर्मूला होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि इधर बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू और टू कितना हो जाएगा फोर फोर अल्फा बीटा, मतलब अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए तो यहाँ पर आपका आएगा प्लस और माइनस रूट लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस चार अल्फा बीटा, ये हम याद कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस चार अल्फा बीटा, इस प्रकार से याद किया जा सकता है, अगर बोले अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान याद करो तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान कैसे याद होगा दोस्त, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इसको लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको डायरेक्ट पता है लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मान आपको पहले याद करना पड़ेगा, बात क्लियर है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो यहाँ पर हमसे अल्फा की पावर तीन माइनस बीटा की पावर तीन भी पूछ सकता है, तो अल्फा की पावर तीन माइनस बीटा की पावर तीन पूछेगा तो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा की पावर में तीन प्लस थ्री अल्फा बीटा
और अल्फा माइनस बीटा। अब जो भी अल्फा माइनस बीटा का मान होगा वो हम इसमें रख देंगे। इस तरीके से कुछ भी सवाल हमसे दोस्त पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं एक सवाल लेता हूं जिसमें जिससे हम सभी चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटाता हूं। एक सवाल हमने लिया है दोस्त यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस पांच बराबर जीरो है के मूल अल्फा तथा बीटा है। क्या है दोस्त? अल्फा तथा बीटा है। तो यहां पे आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, पहला सवाल। तो आप बोल सकते हो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, तो यहां माइनस का सिक्स है। कितना है दोस्त? माइनस का कितना है? सिक्स। और बट्टे में कितना आएगा? एक, एक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल हमसे पूछ सकता है अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए, मतलब कितना आएगा? प्लस का पांच। तीसरा सवाल हमसे पूछ सकता है एक बटे अल्फा प्लस एक बटे बीटा, मतलब अल्फा बीटा, और यहां अल्फा प्लस बीटा हम लिख देंगे तो दोस्त क्या आएगा बताओ? ये कितना आएगा यहां पर कि ये आएगा आपके सामने अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस सिक्स है और अल्फा बीटा का मान कितना है? पांच है, ठीक है। हो सकता है कि हमसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो भी हम याद कर पाएंगे। कैसे याद कर पाएंगे दोस्त? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। बात क्लियर है? बस इस तरीके से कर देना, जो भी वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस सिक्स, छह का स्क्वायर छत्तीस, माइनस दो गुणा पांच दस, कितना आ जाएगा दोस्त? छब्बीस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? छब्बीस। अगर पूछे मान लो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो हम बोल देंगे रूट ऑफ अल्फा माइनस प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्त? ये लिया, यहां प्लस माइनस और लिखेंगे दोस्त, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस और रहेगा, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर छत्तीस, ये छत्तीस आएगा, और ये माइनस टू इंटू अल्फा बीटा कितना है? पांच, टू नहीं सॉरी चार आएगा, ठीक है। तो ये छत्तीस में से बीस गया, सोलह बचा, सोलह का वर्गमूल चार होगा, मतलब प्लस माइनस कितना आएगा? चार। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो दोस्त इस प्रकार से इसमें कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक सवाल जो सिर्फ इसी सवाल के लिए है वो आपके लिए होमवर्क है। क्या आप इस सवाल में अल्फा की पावर दो ओ प्लस बीटा की पावर तीन याद कर सकते हैं? अगर याद कर सकते हैं तो बताइएगा, और मैं बोल रहा हूं याद किया जा सकता है, लेकिन ये इस सवाल में, ठीक है ना। हर सवाल में हम याद तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं याद नहीं किया जा सकता, लेकिन कहानी ये है दोस्त कि यहां कुछ इसके गुणनखंड हो रहे हैं, यहाँ एक्स के मान आप आसानी से ज्ञात कर भी सकते हो। आई थिंक आपको ये बात क्लियर है। हाँ ओके, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।